वालेकुम, मैं हूं मुबशिर लतीफ़ और आप देख रहे हैं कुकिंग विद मुबशिर। आज हम अपने किचन में बनाएंगे फ्रेंच टोस्ट। ये बहुत ही लजीज होते हैं और पकाने में भी बहुत इजी हैं। अगर आपके पास कम टाइम हो और आपने कोई अच्छी सी चीज़ बनानी हो, रेसिपी बनानी हो, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप कम वक्त में बहुत ही अच्छी रेसिपी बना सकते हैं और बच्चों को स्कूल में टिफ़िन में बना कर दे सकते हैं लंच के लिए। आइए हम अब आपको बताते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनेगी। रेसिपी देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन न दबाने भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी वीडियोस आने वाली देख सकें। जी, हम अब आपको बताएंगे कि फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने बंडल ले लिया है ब्रेड का, आप चाहे जितने आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप ब्रेड को ले सकते हैं। उसके साथ हमने ले लिया है नमक एक चुटकी, चीनी हमने ले ली है 2 चम्मच और दूध हमने ले लिया है क्वार्टर ऑफ कप और 3 अंडे ले लिए हैं और दालचीनी ले ली है हमने, इसको ग्राइंड कर लिया, पीस लिया है, इसको इंग्लिश में सिनेमन कहते हैं। और साथ में हमें वनीला फ्लेवर चाहिए। आप कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, हम इस वनीला फ्लेवर यूज़ करेंगे और ये पाउडर के फॉर्म में है। चलिए आइए अब हम आपको बताते हैं कि इसको बनाना कैसे है। जी, सबसे पहले हम अंडों को फेंट लेंगे, अंडों को तोड़ लेते हैं एक एक करके। इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे 2 चाय के चम्मच, नमक हम 1 चुटकी डाल देंगे और सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर 1 चुटकी और वनीला एसेंस डाल लेंगे हसबे जायका और दूध 1 कप, जो है 1 कप का चौथाई हिस्सा हम दूध ऐड कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरह फेंट लेंगे, मिक्सअप कर लेंगे। जी, हमने इसको अच्छी तरह फेंट लिया और अब हम इसको ब्रेड बनाएंगे, ब्रेड डिप करके बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे बनेंगे ब्रेड। पैन को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है। जी, कुकिंग ऑयल को हम फैला लेंगे अच्छी तरह पूरे फ्राइंग पैन में। और इसको अच्छी तरह हीट अप कर लेना है। जी, ऑयल हमारा हीट अप हो चुका है और अब हम इसमें ब्रेड डिप करके डालेंगे। हम ब्रेड को लेंगे और इस तरह करके ब्रेड को डाल देंगे। ज़्यादा हमने ब्रेड को डिप करके नहीं रखना, आराम से बस डिप करके और इसको हमने फ्राइंग पैन में रख देना है। जी, थोड़ा सा इसको ब्राउन होने देंगे नीचे से और फिर इसको पलटेंगे। इसी तरह हमने दूसरी साइड से भी इसको पका लेना है। इसी तरह थोड़ा सा हम हिला लेंगे। जी, हमने इसको पलट लिया, दूसरी साइड भी हमारी ब्राउन हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है हमारा फ्रेंच टोस्ट। अब इसको हम उतार लेंगे। इसी तरह हम दूसरा इसको भी डाल लेंगे। इसको हम पलट लेंगे
बहुत ही अच्छा हमारा ब्राउनिश कलर आया है, और हम दूसरी साइड से भी इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंच टोस्ट हमारे बन के तैयार हो चुके हैं और हमने इनको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही नरम बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, सॉफ्ट ब्रेड बनी है। आप भी अपने घर में बनाइए और हमें फीडबैक दीजिए कि कैसे बने हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो को की नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।